जिंदगी में ना सभी को सक्सेसफुल होना है कि नहीं, बट उसके लिए जो स्ट्रगल करने पड़ते हैं ना वो किसी को नहीं चाहिए। अब ऐसे कैसे चलेगा बॉस? आपको एक बात बताऊं, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, जिनकी आप लोग स्टोरीज पढ़ते हो, आपने ये तो पढ़ लिया वो लोग कितने सक्सेसफुल हैं, बट उसके पीछे जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस करे, जो स्ट्रगल फेस करी, जो रातों की नींद उन्होंने कुर्बान करी, वो आप लोगों ने नहीं पढ़ी। तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो, अगर आपको सक्सेस बिना फेलियर के मिल जाएगा ना, आप उसको कभी सस्टेन ही नहीं कर पाओगे और ना आपको सक्सेस का मज़ा आएगा। इमेजिन कर देखो, आप एक बार फुटबॉल का मैच खेल रहे हो, आपने बहुत लड़ने के बाद, बहुत चोटें खाने के बाद, बहुत मेहनत के बाद एक गोल किया, उसकी खुशी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की होगी। और एक बार को इमेजिन कर देखो, आप पूरे फील्ड पर अकेले हो, आप जितने मर्जी गोल्स कर लो, आपको मज़ा ही नहीं आने वाला। तो क्या समझे इस बात का, जब आपकी ज़िंदगी में कॉम्पिटिशन होता है ना, फेलियर होता है, तभी उस सक्सेस का मज़ा आता है। तो जब आपकी ज़िंदगी में हार्ड टाइम्स आए ना, तो रादर देन कंप्लेनिंग, आप मेहनत करो, आप कोशिश करो मुझे इसको फेस करना है। और अगर आप उस वक्त आपने उसको फेस कर लिया ना, तो यकीन मानो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। दुनिया में अगर आपको कोई सक्सेसफुल या फेलियर बना सकता है ना, तो वो आप खुद ही हो। तो अब इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हम आज की वीडियो में आप लोगों के लिए रेडी करवाने वाले हेयर थिकनिंग स्प्रे। क्या समझे, एक ऐसा वाटर रेडी करवाऊंगा ना आप लोगों के लिए, जो आपने रूट्स में स्प्रे करना है हर रोज रात में या फिर दिन में या जब भी आप कंफर्टेबल हो। और ये स्प्रे इतनी ज़्यादा स्पेशल है कि जब आप इसको रात में लगाओगे ना, आपको सुबह शैम्पू करने की भी नीड नहीं है, इतनी नॉन स्टिकी और नॉन ग्रीसी है। और क्या क्या फ़ायदे देने वाली है वो बताता हूँ, आपके हेयर फॉल पे बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देगी, आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने का काम करेगी, डैंड्रफ और इचीनेस को बिल्कुल ही दूर करेगी, जितना भी डैमेज हुआ है आपके बालों में उसको प्रॉपरली रिपेयर करने का काम करेगी, आपके बालों को शाइनी और ग्लॉसी बनाएगी। आप हमारे साथ ये 14 दिन का चैलेंज लेकर देख लो, और सही बता रहा हूँ, आप लोग मुझे शुक्रिया बोलते नहीं थकोगे। जितने मर्जी प्रोडक्ट आपने यूज कर देख लिया और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इस बार आप डॉक्टर पे जाने से पहले ये वाली रेमेडी जरूर ट्राई कर लो। इतनी इजी रेमेडी है और इतनी ज्यादा पावरफुल है ना कि बस आपको मजा ही आ जाएगा। ये रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है जो लोग कंप्लेन करते हैं, मैं कोई रेमेडी फॉलो नहीं कर पाता बिकॉज मेरे बाल ऑयली हो जाते हैं। ये वाला जो ऑयल है या ये वाला जो सिरम है, ये इतना ज्यादा नॉन स्टिक है कि अगर आप इसको अपने हाथ पे लगाओगे ना, आपके हाथ भी बिल्कुल चिपचिपे नहीं होंगे, ये बिल्कुल ही नॉन ग्रीसी और नॉन स्टिकी है। तो क्या आप तैयार हो आज की शानदार वीडियो के लिए? अगर हाँ, तो आप नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में और एक बड़े वाला थम्स अप दो। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ आगे और आपको बताते हैं हाउ टू प्रिपेयर द बेस्ट हेयर थिकनिंग स्प्रे फॉर हेयर ग्रोथ। हमारे आज के हेयर टॉनिक या हेयर स्प्रे के लिए हमें 4 इजी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। पहले हम बात करेंगे उन इंग्रेडिएंट्स की, थोड़ा उनके फायदे जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे मेकिंग की तरफ। इंग्रेडिएंट नंबर 1, रोजमेरी पाउडर। अब ये एक ऐसा हिडन जेम है जिनको ट्रेडिशनल टाइम से यूज किया जाता था, बट आजकल इसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप देख रहे होगे आपके बहुत से फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स आजकल रोजमेरी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और यहां तक कमर्शियल ब्रांड्स भी इसको अपने इंग्रेडिएंट्स में लेकर आ रहे हैं बिकॉज ये है ही इतना कमाल का। आपका हर दिन होगा गुड हेयर डे अगर आप रोजमेरी को अपने हेयर केयर रूटीन में ऐड कर दो। जो रोजमेरी होता है ना, वो आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने का काम करता है और आपकी स्कैल्प हेल्थ को बहुत ज्यादा बढ़िया रखता है। अब ये चीज बहुत अच्छे से समझ लो, अगर स्कैल्प की हेल्थ बढ़िया रहेगी ना, तभी आपके बाल बढ़िया ढंग से शाइनी और ग्लॉसी रह पाएंगे। साथ में इसके अंदर होती है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो डैंड्रफ और इचिंग को बिल्कुल ही हटा देता है, और अगर आपके स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन हो गया उसको भी बिल्कुल दूर करेगा। ये कंप्लीट पैकेज है आपके हेयर केयर रूटीन का जो आपने ऐड करना ही करना है अगर आप अपने हेयर को बढ़िया रखना चाहते हो। इंग्रेडिएंट नंबर 2, करी लीफ पाउडर। इसमें होता है भर भर कर प्रोटीन जो हेयर एक्सेलरेटर का काम करती है। जैसे आप गाड़ी में रेस देते हो ना, या एक्सेलरेटर पे पैर रखते हो, गाड़ी तेजी से भागने लग जाती है, वैसे ही आपकी हेयर ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। साथ में ये आपके बालों का टेक्सचर बहुत हद तक इंप्रूव करता है, शाइनी और बाउंसी बनाता है आपके हेयर को, और प्रॉपर हाइड्रेशन देने का काम भी करता है। कड़ी लीव्स इतनी ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है बिकॉज ये प्री मिच्योर ग्रेन से फाइट करने में हेल्प करती है, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट इंग्रेडिएंट नहीं कर पाते। तो अगर आप लोग भी परेशान होना कि आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं, तो कड़ी लीफ पाउडर इज द सोल्यूशन। आपने इसको कंज्यूम भी करना है और टॉपिकली अप्लाई भी करना है, एंड आपको विजिबल रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपके जो वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो गए हैं ना, वो धीरे धीरे नेचुरली टूवर्ड्स ब्लैक जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इंग्रेडिएंट नंबर 3,
फेनुग्रीक पाउडर, बोले तो मेथी दाना का पाउडर आराम से मिल जाएगा ना, नहीं मिले तो हमारे पास अवेलेबल है, आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो मेथी दाना पाउडर होता है ना, उसमें भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है और निकोटिनिक एसिड होता है, जो आपकी स्कैल्प हेल्थ के लिए बड़ा ही शानदार रहता है। वो मेक श्योर करता है आपकी ग्रोथ को बूस्ट करे। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये सारे हेयर ग्रोथ बूस्ट करने के लिए, और मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक हेयर टॉनिक या फिर एक हेयर थिकनिंग स्प्रे रेडी करा रहा हूँ। तो सारे इंग्रेडिएंट्स इतने पावरफुल होने चाहिए इंडिविजुअली, तभी तो मिलकर आपके हेयर पर प्रॉपर मैजिक करने का काम करेंगे। और साथ में जो मेथी दाना होता है ना, उसका एक काम और होता है, वो आपके हेयर को प्रॉपर कंडीशन करने का काम करता है, सॉफ्ट बनाता है और मैनेजेबल बनाता है, और मेक श्योर करता है आपके बालों को एक्सेस ऑयली ना करे, बल्कि आपके हेयर स्कैल्प से एक्स्ट्रा ऑयल खींच लेता है, जिससे आपको मिलते हैं ऑयल फ्री हेयर बट प्रॉपर कंडीशनड हेयर। जो ये मेथी दाना पाउडर है, ये भी एक मस्ट हैव इंग्रेडिएंट है आपके हेयर केयर रूटीन में, जो ऐड करता है एक्स्ट्रा वाली शाइन और ग्रोथ को भी बिल्कुल बूस्ट करता है। एंड फाइनली इंग्रेडिएंट नंबर 4, हिबिस्कस पाउडर, बोले तो गुड़हल पाउडर। ये एक बहुत अंडररेटेड इंग्रेडिएंट है, जिसको मैंने देखा ब्रांड्स आज भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स में, या फिर कहीं प्रॉपरली मेंशन नहीं करते हैं, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी पावरफुल। जितने इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया ना इससे पहले 3, उससे ज़्यादा पावरफुल है अकेले ही हिबिस्कस पाउडर। ये आपकी स्कैल्प हेल्थ को बहुत ज़्यादा बढ़िया रखता है, जिससे ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है, ब्यूटीफुल हेयर प्रमोट करता है। लिटरली जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं ना, बिफोर और आफ्टर वाला, वो अगर कोई अकेले दे सकता है तो वो हिबिस्कस पाउडर ही है। तो आपने इसको भी अपने हेयर केयर रूटीन में ऐड करना ही करना है, डैंड्रफ को भी दूर करेगा, स्कैल्प हेल्थ को भी बढ़िया रखेगा और हेयर ग्रोथ को भी प्रॉपरली बूस्ट करने का काम करेगा। इंग्रेडिएंट्स को सुनकर ही कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है ना, कि भाई ये तो काम करने ही वाला है और वाकई ही काम करने वाला है, बस ट्राई तो कर देखो एक बार। अगर ये चारों इंग्रेडिएंट्स आप खरीदने का प्लान करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको बाइंग लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैंने एक कॉम्बो बनाया हेयर ग्रोथ स्प्रे के नाम से। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, आपको चारों इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बो मिल जाएगा और डायरेक्टली आप अपने डोरस्टेप पे ऑर्डर कर सकते हो। प्रीपेड ऑर्डर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं मेकिंग की तरफ। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर, 1 चम्मच रोजमेरी पाउडर, 1 चम्मच कड़ी लीव्स और 1 चम्मच हिबिस्कस पाउडर की। ये चारों इंग्रेडिएंट आपने एक पैन में डाल लेना है। अब आपने इसमें डालना है अच्छी वाली क्वांटिटी में पानी, 1.5 ग्लास पानी डाल सकते हो, और इन सारे पाउडर्स को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लो। अब आपने अपने फ्लेम को प्रॉपरली रन करना है और 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, स्टर करते रहना अच्छे से। जितनी भी गुडनेस है सारे पाउडर्स की, वो ट्रांसफर हो जाएगी उस वाटर में। फिर आपने आराम से इस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फिर आपने इसको अच्छे से छान कर एक बॉटल में ट्रांसफर कर लेना है, जिस पे स्प्रे होना ही चाहिए। अब जो ये आपका स्प्रे रेडी हुआ है ना, लिटरली दिस इज अ मैजिकल वाटर फॉर योर हेयर। अब आपने इसको यूज कैसे करना है, मैं आपको वो बहुत अच्छे से समझाता हूँ। आपने हेयर अपने हेयर्स को प्रॉपरली पार्ट कर लेना है सेक्शंस में, और रूट्स में अच्छे से इसको स्प्रे करना है। ट्वाइस इन अ डे भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं देने वाला, 100% नेचुरल है। आप इसको 2 बार स्प्रे करो बिना शैम्पू की टेंशन लिए, आपके हेयर को ऑयली बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला। आप इस वाले सोल्यूशन को आराम से 2 हफ्ता स्टोर कर रख सकते हो अगर आप फ्रिज में रख रहे हो, वरना 1 हफ्ता विंटर सीजन में आराम से आपका चल जाएगा। और 2 हफ्ता हमारे साथ ये वाला चैलेंज लेकर देखो, आपके हेयर पहले से थिकर हो जाएंगे, डेंसर हो जाएंगे, वॉल्यूम बूस्ट हो जाएगी, और अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है ना, आपका हेयर फॉल बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और जो मेरी फैमिली मेंबर्स परेशान है डैंड्रफ और इचिंग से, उनकी वो इचिंग भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। एक कंप्लीट हेयर केयर रूटीन रहने वाला है आपके लिए, आपको कोई ऑयल की जरूरत नहीं है, बस एक अपना फेवरेट सल्फेट फ्री शैम्पू रखो और ये हेयर ग्रोथ स्प्रे यूज करो। आपके हेयर लिटरली आपको शुक्रिया बोलते नहीं थकेंगे, आपका हर दिन होगा गुड हेयर डे। तो बस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, जब जिंदगी में हार्ड टाइम्स आए ना, आपने स्ट्रेंथ दिखानी है, और अगर आपने स्ट्रेंथ दिखा दी ना, तो सक्सेसफुल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये बात को आप बांध लो। अग्री करते हो मेरे से तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट ड्रॉप जरूर करना। बाकी ये हेयर ग्रोथ स्प्रे आप जरूर ट्राई करो, आपको विजिबल फायदा मिलने ही वाला है और मिलने ही वाला है, चाहे आपका हेयर टाइप कोई भी हो, आपको सच में मजा ही आ जाएगा। तो आपने मेरी दोनों बातों को याद रखना है, एक तो हेयर ग्रोथ स्प्रे जरूर ट्राई करना है, दूसरा हार्ड टाइम्स पे हमें हमेशा स्ट्रेंथ दिखानी ही दिखानी है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे तब तक बहुत ही जल्दी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।